चोरी की खबरें तो आपने कई बार देखी या सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई पुल जिसका इस्तेमाल लोग करते आए हो, जो धस गया हो और वही पुल चोरी होने लगे। सिमडेगा में ऐसी ही चोरी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चोर धीरे धीरे पुल की चोरी कर रहे हैं। पुल की हो रही चोरी, पुल में लगे लोहे के छड़ों को काट कर बेच रहे हैं चोर। चोरी हो रही सरकारी संपत्ति और बेखबर है प्रशासन। सिमडेगा के बीरू से तामड़ा होते हुए छत्तीसगढ़ तक जाने वाली सड़क पर पालामाड़ा नदी पर बना पुल चोरों के निशाने पर है। ये पुल बीरू पंचायत से तामड़ा को जोड़ता है। जब तामड़ा को जोड़ते हुए पाकनार को निकाल देता है और ये सीधे रामरेखा की ओर जाती है। यहाँ से रामरेखा से सीधे छत्तीसगढ़ सीधे रोड हो जाता है और ये महत्वपूर्ण रोड था, जो बरसात के कारण यह धंस गया है। धंसने के बावजूद यहाँ पर यहाँ जो भी है, यहाँ कुछ चोर लोग हैं, यहाँ के छड़ को काट के ले जा रहे हैं। खासकर एक पिलर बच्चा है, उसका भी डैमेज कर ले रहा है, वहाँ की चोरी करके ले जा रहा है। ये सबको ये सिमडेगा प्रशासन को ध्यान देखना चाहिए कि सब कुछ छड़ को काट काट के लोग चोरी करके फिर बेच दे रहे हैं। ये सरकार की संपत्ति है, इसका सुरक्षा रखना चाहिए, इसका हिफाजत रखना चाहिए। चूँकि गाँव के मुखिया आप चुने गए हैं, अब तो क्या एक लिखित आवेदन भेजेंगे ताकि प्रशासन को संज्ञान में जाए कि यहाँ से छड़ चोरी हो रहा है? जी हाँ, जस्ट अभी हम लोग जस्टिस पंचायत चुनाव में जीत के आए हैं। हम तो अभी हम लोग 16 तारीख शपथ ग्रहण है, 16 कम 17 तारीख को ही इसको हम जिला प्रशासन के आवेदन देकर देंगे कि इसमें थोड़ा सा संरक्षित रखा जाए जो भी सामान है उसका। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।